तो सेंटर ऑफ मास की एक टेक्निक है जिसमें आपको क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि एक डिस्क है रेडियस आर, जिसमें से एक होल कर दिया आपने ऑफ रेडियस आर बाई टू, कहाँ से लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट की तरफ से होल किया, एंड इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। मतलब ये डिस्क है ऑफ रेडियस आर, लेफ्ट सेंटर के लेफ्ट से होल किया ऑफ रेडियस आर बाई टू, यहाँ से उठाया इसको और इस पे डाल दिया। यहाँ पर मास प्रेजेंट है, यहाँ रादर दो दो मास प्रेजेंट हैं, इसके पीछे वाला भी और ये वाला भी, और यहाँ पर होल है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेक्निक है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, लिखा हुआ है लेक्चर ऐसे बोलते हैं, इसको करने से पहले एक लैमिना जो कि 2D बॉडी है इसके ऊपर एप्लीकेबल है, विद यूनिफॉर्म नेग्लिजिबल थिकनेस, नेग्लिजिबल थिकनेस है, बहुत बड़ी थिकनेस नहीं है, हल्की थिकनेस है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? तो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एम वन आर वन वेक्टर, एम टू आर टू वेक्टर, एम वन प्लस एम टू। क्लियर है? हम क्या करेंगे यहां पर, गेम एरिया की गेम है। एरिया की गेम क्यों है? क्योंकि जब हम काटते हैं तो एरिया रिमूव करते हैं, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है। तो एक काम करते हैं, मास को लिख लेते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी मान लो रो है, मटेरियल की डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस मान लो टी है, अभी के लिए मैं एलिमिनेट कर दूंगा, थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर एरिया जो है वो ए वन है और थिकनेस टी है, तो ये क्या आ गया? मास एम वन आ गया। ऐसी एम टू में रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? ए टू इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? और डिनोमिनेटर में मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ऐसी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये है क्या एरिया ए वन ए टू, अभी बताता हूँ मैं। क्या ये रूल क्लियर है? तो यहां से रो कैंसल, क्योंकि मटेरियल तो एक ही है पूरे डिस्क का, टी भी कैंसल, थिकनेस नेग्लिजिबल है, कैंसल, आपके पास ये आंसर आ गया। तो एरिया के फॉर्म में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वन आर वन, ए टू आर टू, ए थ्री आर थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। अब यूज कैसे करना है ये करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब नोट है, एक और नोट लिखा हुआ है, इफ सम मास इज रिमूव फ्रॉम दी रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी में से एक मास को मैंने काट दिया, रिमूव कर दिया, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज ऑप्टेन्ड बाई, कह रहा है जो सेंटर ऑफ मास बचे हुए डिस्क का या बचे हुए पोर्शन का होगा उसका निकालने का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। हालांकि ऊपर मैंने सब कुछ पॉजिटिव पुट किया, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव होगा नहीं, एक्चुअल में नेगेटिव होगा, एक टर्म नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी उसका रीजन बताता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी पोर्शन को काट दिया तो आपने बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला याद करना है, एम वन आर वन वेक्टर माइनस एम टू आर टू वेक्टर अपॉन एम वन माइनस एम टू, या फिर ए वन आर वन वेक्टर माइनस ए टू आर टू वेक्टर अपॉन ए वन माइनस ए टू। और ऐसी इसी चीज को कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला बन जाएगा, आर की जगह एक्स पुट कर दो और वाई कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब असल बात ये तो है फॉर्मूलास, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पुराना क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है लंबे तरीके से, मेरा क्वेश्चन क्या हुआ करता था कि एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक लेमिन है, और इसका जो एरिया है वो इसका रेडियस ए है, डिस्क का रेडियस ए है। मैंने एक और डिस्क को इसमें से काट दिया जिसका डायमीटर ए है और फेंक दिया, मास को फेंक दिया। तो याद करो सेंटर ऑफ मास यहाँ का यहाँ जाता था, हमने किया भी था क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा? हम निकालते भी थे इसे, हम इसको ओरिजिन मानते थे, याद करो, इसको ए बाई टू कॉमा जीरो, इसको एक्स माइनस एक्स कॉमा जीरो, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाते थे, आंसर आता था। और मुझे अच्छे से याद है आंसर आर बाई सिक्स आता था इसमें, अब चेक भी कर लेना सेंटर ऑफ मास की शीट, आर बाई सिक्स आंसर था। पर वो तरीका लंबा था, एक बहुत सही तरीका जो अभी हमने सीखा उसको यूज कैसे करना है। इसमें दो एरियाज इन्वॉल्व हैं, एक पूरी डिस्क का एरिया और एक कटी हुई डिस्क का एरिया, दो एरियाज हैं। तो ए वन का मतलब मान लो पूरी डिस्क का एरिया, ए टू का मतलब कटी हुई डिस्क का एरिया। तो ए वन क्या होगा? टोटल रेडियस ए है, तो ए वन क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। और कटी हुई डिस्क का रेडियस क्या है? ए बाई टू, तो एरिया क्या होगा? पाई इंटू ए बाई टू का स्क्वायर। दो एरियाज आ गए, एक टोटल डिस्क का और एक कटी हुई डिस्क का, कोई डाउट इसमें? दो एरियाज आ गए। अब मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, जीरो कॉमा जीरो है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए बाई टू कॉमा जीरो है, कटी हुई डिस्क का ए बाई टू कॉमा जीरो है। पूरी डिस्क का कोऑर्डिनेट क्या है? सेंटर जीरो कॉमा जीरो, और कटी हुई डिस्क का कोऑर्डिनेट कितना है? ए बाई टू कॉमा जीरो, राइट? तो इसमें अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो सेंटर ऑफ मास क्या है? ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई, अभी सीखा है, ए वन माइनस ए टू। ए वन का मतलब पूरी डिस्क का एरिया, ए टू का मतलब कटी हुई डिस्क का एरिया,
और आपको इसलिए माइनस यूज करना है क्योंकि पूरे डिस्क में से उस कटी हुई डिस्क को उठा के हम बाहर फेंक रहे हैं, तो टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, टर्म्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर है यहां तक? तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, पूरी डिस्क का एरिया पाई ए स्क्वायर है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन है सेंटर 0.0, कटी हुई डिस्क का एरिया पता है, कटी हुई डिस्क का कोऑर्डिनेट ए बाय 2 और डिवाइडेड बाय ए 1 एंड ए 2, सॉल्व करके सीधा आंसर आएगा माइनस ए बाय 6। एक सेकंड में आंसर माइनस ए बाय 6, ये सही है ना? फॉर्मूले में पहले पुट करो ए 1 ए 2, ए 1 का मतलब पूरी डिस्क, ए 2 का मतलब कटी हुई डिस्क, एक मिनट में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ये रूल कैसे लगेगा? ठीक है यहां तक? इसको देखो, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट डिस्क का होता है, ये जो पोर्शन है ये कटी हुई डिस्क का होता है। कंप्लीट एरिया पाई ए स्क्वायर है, कटी हुई का पाई ए स्क्वायर बाय 4 है। कंप्लीट जो डिस्क है उसका कोऑर्डिनेट 0.0 है, तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए बाय 2.0 है, तो एक कोऑर्डिनेट 0 है और एक ए बाय 2 है। ए 1 ए 2 पता है आंसर, फिर लगा के दिखाता हूँ। ये देखो अपना पुराना क्वेश्चन जो छोड़ दिया था, अभी इस पर लगाता हूँ, फिर आप डाउट पूछ सकते हो अपने। मेरे पास क्या गिवन है, पूरी डिस्क है, मैंने इस डिस्क को काट दिया, काट के फेंका नहीं, काट के यहां पे रख दिया, ठीक है? तो पूरे डिस्क का कोऑर्डिनेट सेंटर था 0.0, कटी हुई डिस्क जहां से काटा उसका कोऑर्डिनेट माइनस आर बाय 2.0, जहां पे रखा उसका कोऑर्डिनेट आर बाय 2.0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसमें ये बताओ जो डिस्क को मैं काट के फेंक रहा हूं उसका मास क्या है, उसका मास कैसे निकलेगा? हमने कई बार किया, मास डिस्क पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स एरिया। तो अगर एरिया डिस्क का देखो, तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, मास एम है, अगर 1 है तो m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना है, पाई इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर। तो एरिया क्या है, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर बाय 2 का होल, सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, m बाय 4। क्लियर है यहां तक? m बाय 4 क्लियर है? तो वैसे भी शॉर्टकट लगा दो, मास पर यूनिट एरिया निकाल लो पूरी डिस्क का, पूरी डिस्क का मास m है और एरिया पाई आर स्क्वायर है, और कटी हुई डिस्क का एरिया पाई इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर है, सॉल्व करके आंसर एम बाय 4। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें, तो मैं फॉर्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास का लगाऊं, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, पूरी डिस्क की स्टार्टिंग करनी है। पूरी डिस्क का मास कितना है, एम है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। पहला स्टेप क्लियर है। माइनस किसको काटा हमने, इसको काटा, इसका मास कितना है, एम बाय 4, और इसका कोऑर्डिनेट था कितना, माइनस आर बाय 2, तो एम बाय 4 इंटू माइनस आर बाय 2। ये माइनस इसलिए क्योंकि उठा के बाहर फेंक रहे हैं, और ये माइनस इसलिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। नेक्स्ट, अब यहां पर जो रखा वो मास जो यहां से निकाला यहां रखा, सिस्टम में एक बार मास निकाला और एक बार डाल दिया, जब निकाला तो माइनस, जब डाला तो वापस प्लस, कितना मास डाला, एम बाय 4, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस आर बाय 2, जो निकाला था माइनस आर बाय 2, जो रख दिया वो आर बाय 2, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में m, जो मास है m, टोटल मास में से m बाय 4 सब्ट्रैक्ट किया और m बाय 4 ऐड भी कर दिया, सॉल्व किया, आर बाय 4 आंसर है।